पिछले दो हफ्तों से गुल्ली और बुल्ली काफी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात में भी उधम चौकड़ी चालू रहती है, लेकिन आज की रात से ये सब कुछ बदलने वाला है। गुल्ली और बुल्ली दोनों इस बात से बेखबर हैं और टैबलेट पे हॉरर वीडियोस देखते हुए मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब सुबह 10 बजे पॉटी बॉय शॉन गुल्ली और बुल्ली के घर आएगा कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। असली पार्टी तो तब शुरू होगी। गुल्ली और बुल्ली वीडियो देखने में मस्त थे, तभी उनको स्कूटर की आवाज सुनाई दी और दोनों उठकर देखने लगे। अरे ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन है, लेकिन ये तो सुबह यहाँ आने वाला था, ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही शॉन ने गुल्ली बुल्ली के पास ले जाकर स्कूटर रोकी, गुल्ली ने कहा, शॉन तुम इतनी रात में यहाँ कैसे? तुम तो सुबह आने वाले थे, सब ठीक तो है ना? बुल्ली ने कहा, जरा इसका चेहरा देखो, ये डरा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है, बताओ शॉन क्या हुआ है? शॉन ने कहा, यहाँ तुम लोग आराम से लेटे हुए हो, वहाँ शहर में ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं, वो कई लोगों को खा चुके हैं, डर के मारे लोग शहर खाली कर रहे हैं, किसी को नहीं पता ये ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं। मैं ये सारी बात बताने बाबा के घर गया था, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ है, बाबा घर पे नहीं है, मुझे तो अब डर लगने लगा है, धीरे धीरे ये ज़ॉम्बीज़ घरों में घुसकर हमें भी खा जाएंगे। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम तीनों को मिलकर उन्हें रोकना होगा, वरना वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। गुल्ली ने शॉन से कहा, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ रातों रात शहर के अंदर आए कैसे, और तुम्हें कैसे पता चला कि शहर में ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं? शॉन ने बताया कि कुछ लोगों ने उसे ज़ॉम्बीज़ की फोटो भेजी है, ये देखो। गुल्ली फोटो देखते हुए बोला, अरे ये तो जाना पहचाना ज़ॉम्बी लग रहा है। शॉन ने कहा, अरे पागल, ये तो मेरी फोटो है, ये रहा वो ज़ॉम्बी। गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही ज़ॉम्बी को देखा, उनकी हालत भी शॉन की तरह खराब होने लगी। बुल्ली बोला, जरा इसकी आंखें देखो शॉन, वो कितनी बड़ी हैं और उसमें से तेज रोशनी निकल रही है, ये इस दुनिया के तो नहीं लगते, ये किसी और ग्रह से आए हैं। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन ने गुल्ली बुल्ली को इशारा करते हुए कहा, वो देखो जहाज जा रहा है, और गुल्ली बुल्ली भी आसमान में उड़ता हुआ जहाज देखने लगे। उस जहाज के जाते ही गुल्ली और शॉन आपस में बातें करने लगे, लेकिन कुछ देर तक गुल्ली आसमान की तरफ ही देखता रहा, और फिर अचानक गुल्ली और शॉन की तरफ पलटा और कहने लगा, गुल्ली गाड़ी निकालो जल्दी, शॉन तुम गाड़ी में बैठो। गुल्ली और शॉन बुल्ली की इस हड़बड़ाहट को देखते हुए बुल्ली से पूछने लगे, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बुल्ली ने कहा, शॉन जिस उड़ती हुई चीज को तुम जहाज समझ रहे हो, वो जहाज नहीं है, वो एलियन का एयरक्राफ्ट है, यूएफओ, और वो उड़ते हुए शहर के दूसरी तरफ जा रहा है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम ये कहना चाहते हो कि शहर में जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं वो इसी एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं? बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, जितना भी हम सोच रहे हैं खतरा उससे भी ज्यादा बड़ा है, जल्दी चलो हमें उस एयरक्राफ्ट का पीछा करना है। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन जाकर गाड़ी में बैठ गए। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों उस एयरक्राफ्ट को ढूंढने चल दिए। कुछ देर तक तो गुल्ली बुल्ली और शॉन रात के अंधेरे में यूएफओ को ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन फिर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। गुल्ली और बुल्ली ये समझ चुके हैं कि वो अपनी जीप से उस यूएफओ का पीछा नहीं कर सकते, और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली से घर वापस चलने के लिए कहता है। शहर में ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तभी बुल्ली को वही यूएफओ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया और तीनों उसे देखने लगे। गुल्ली और बुल्ली कुछ समझ पाते इससे पहले ही यूएफओ उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, मुझे लगता है यूएफओ यहीं कहीं उतरने वाला है, गुल्ली गाड़ी तेज चलाओ वरना वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। गुल्ली गाड़ी लेके आगे जा पाता इससे पहले ही शॉन ने गुल्ली को गाड़ी रोकने का इशारा किया और कहने लगा, गुल्ली गाड़ी रोको, वो देखो आगे ज़ॉम्बीज हैं, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। गुल्ली और बुल्ली ने जब अपने सामने ज़ॉम्बीज को देखा तो उनकी हालत भी खराब होने लगी। तभी पॉटी बॉय शॉन बोला, मैं तो कहता हूँ घर वापस चलो, वरना ये ज़ॉम्बीज हमें जिंदा चबा जाएंगे, अगर जान की सलामती चाहते हो तो मेरी बात मान लो। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, अब हम वापस नहीं जाएंगे, गुल्ली तुम गाड़ी किनारे लगाओ, कहीं ज़ॉम्बीज़ हमें देख न ले। गुल्ली को भी ये बात सही लगी और वो गाड़ी आगे ले जाने लगा और बिल्डिंग के नीचे ले जाकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद गुल्ली और बुल्ली शॉन के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारने की प्लानिंग बनाना चाहते थे, लेकिन शॉन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। शॉन कहता है, तुम्हें पता भी है कि वो ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक हैं, जब तक बाबा नहीं आ जाते हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। गुल्ली बोला, शॉन हमें नहीं पता कि बाबा कब तक वापस आएंगे, हमें इन्हें जल्दी मारना होगा वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। बुल्ली ने कहा, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले चलकर देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ज़ॉम्बीज के करीब जाने लगे, लेकिन इन तीनों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी वरना ज़ॉम्बीज इन्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। आगे जाने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों छुपकर उन ज़ॉम्बीज को देखने लगते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन ने जो देखा उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ज़ॉम्बीज किसी फीमेल बॉडी को खा रहे थे, वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसका सर और हाथ पहले ही खा चुके थे।
लेकिन लगता है अब वो किसी और को खाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन की फुसफुसाहट सुन ली है। ज़ॉम्बीज ने जैसे ही गुल्ली बुल्ली की तरफ पलट कर देखा, एक एक करके तीनों वहां से फरार हो गए। लेकिन ज़ॉम्बीज ने उन्हें देख लिया है और अब गुल्ली बुल्ली और शॉन की खैर नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज उधर ही जा रहे हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को वहां से अपनी दुम दबाकर भागना पड़ा। बुल्ली से कहता है कि जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। बुल्ली, ज़ॉम्बीज ने हमें देख लिया है। बुल्ली कहता है कि हम हथियार लाना तो भूल गए गुल्ली, हम में से किसी को घर जाकर हथियार लाने होंगे, वरना हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। बात करते हुए बुल्ली जब पीछे पलट कर देखता है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अब गुल्ली बुल्ली यहाँ से भाग नहीं सकते। गुल्ली और शॉन से बुल्ली कहता है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना, ज़ॉम्बीज हमारे करीब आ चुके हैं। ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए उनके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वो इन तीनों को नहीं देख पाए और उन्हें ढूंढते हुए आगे चले गए। और इस तरह गुल्ली बुल्ली और शॉन की जान बच गई, लेकिन गुल्ली बुल्ली को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर ज़ॉम्बीज वापस पलटे तो वो गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों को देख लेंगे। ये बात गुल्ली बुल्ली भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज के जाते ही तीनों गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की, ज़ॉम्बीज ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुन ली और फिर वो गाड़ी की तरफ पलटे और जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। ज़ॉम्बीज ने गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों को देख लिया है और अब इनकी खैर नहीं। ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली गाड़ी बैक करने लगा। तभी गुल्ली और शॉन ने कहा, गुल्ली हमें घर जाने का रास्ता बदलना होगा, वरना ये ज़ॉम्बीज आसानी से हमारे घर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गुल्ली ने गुल्ली और शॉन की बात मानते हुए घर जाने का रास्ता बदल दिया। लेकिन रास्ता बदलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन ने कितनी बड़ी गलती की है, थोड़ी ही देर में इन तीनों को इसका पता चलने वाला है। तो दोस्तों, क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर तक पहुंच पाएंगे या फिर रास्ते में ही ज़ॉम्बीज इन तीनों को खा जाएंगे? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।